अगला है आपका स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज ए ग्रुप ऑफ वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम में आपका डिफरेंट टाइप्स के आपका क्या होते हैं, वेवलेंथ प्रेजेंट होते हैं। एंड और स्पेक्ट्रम पे जो लाइट इमिशन होता है या लाइट जो एब्जॉर्ब होती है उसका अध्ययन हम जिसमें करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रास्कोपी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम इज ए ग्रुप ऑफ वेवलेंथ। स्पेक्ट्रम में आपका डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ के कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं और द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा जब डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ को इमिशन करता है या एब्जॉर्ब करता है इसको हम जिसमें पढ़ते हैं उसे हम स्पेक्ट्रास्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रास्कोपी में स्पेक्ट्रम दो टाइप के होते हैं, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इमिशन स्पेक्ट्रम व्हेन रेडिएशन इमिटेड, जब कोई लाइट का रेडिएशन, सन से अगर कोई रेडिएशन निकल रहा है वह रेडिएशन इमिटेड होता है, किसी भी सरफेस पे पड़ता है फ्रॉम ए सोर्स आर इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म। ध्यान से, व्हेन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन निकलता है आर इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म, जब किसी प्रिज्म पर पड़ता है एंड आर सेपरेटेड इनटू डिफर वेवलेंथ, और जब वह डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एंड ऑब्टेंड ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट पे प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे देख लीजिए आपका ये जो है स्पेक्ट्रम है, मान लीजिए इस पे कोई लाइट पड़ा, इंसिडेंट लाइट, यहाँ पे आपका कोई फोटोग्राफिक प्लेट रखा हुआ, तो जब ये आया आने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 VIBGYOR विज्योर में क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। ध्यान से यहाँ पे देखिए फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे एक लाइट, यह है आपका प्रिज्म, इस प्रिज्म पे पड़ा, व्हेन रेडिएशन इमिटेड, जब इस रेडिएशन इस स्पेक्ट्रम पे पड़ा और यहाँ पे आपका मान लीजिए फोटोग्राफिक प्लेट हमने लगा दिया, तो फोटोग्राफिक प्लेट लगाने के बाद जब लाइट यहाँ से क्रॉस करेगी तो ये अपने 60 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 3 4 5 6 7 यहाँ पे हो जाएगा BIBGYOR विज्योर में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसमें क्या हुआ, वन रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए सोर्स, किसी भी सोर्स से एक रेडिएशन आया, रेडिएशन इमिट हुआ किसी सोर्स से, मान लिया आया रेडिएशन इस पे इमिटेड हुआ, इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म और प्रिज्म में आकर के पड़ा एंड सेपरेटेड इनटू डिफर वेवलेंथ, और डिफरेंट वेवलेंथ में क्या हो गया, बट गया, कहाँ बटा, फोटोग्राफिक प्लेट पे। फोटोग्राफिक प्लेट नहीं रखेंगे ना तो आपको दिखाई नहीं देगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ के कलर आपको मिल रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ के कलर को प्राप्त करने के लिए आप क्या रखेंगे, एक फोटोग्राफिक प्लेट, तो उस फोटोग्राफिक प्लेट पे आपको पता चलेगा कि डिफरेंट टाइप्स के वेवलेंथ के आपको क्या हो रहे हैं, कलर प्राप्त हो रहे हैं। इस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, इमिशन स्पेक्ट्रम। यह इमिशन स्पेक्ट्रम में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, इसमें पहला है कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। दिस स्पेक्ट्रम कंटेन्स मेनी डिफर कलर और वेवलेंथ विथ नो गैप। इसमें मान लीजिए जैसे एक ऐसा पट्टी बना हुआ है, जैसे आपने ले लिया एक ऐसा, इसमें डिफरेंट टाइप्स के कलर इस तरीके से क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे,
और प्रेजेंट होने इस तरीके से प्रेजेंट होंगे कि उसमें कोई गैप नहीं होगा। इस तरीके का जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उस स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। मतलब आपको एक ऐसा स्पेक्ट्रम मिलेगा जिस स्पेक्ट्रम में डिफरेंट वेवलेंथ के कलर तो प्रेजेंट होंगे लेकिन उस कलर के बीच में कोई भी गैप आपको प्राप्त नहीं होगा। इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं कंटिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको नोट कर लीजिए।